तो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस आज हम माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं, लेकिन आज माइनक्राफ्ट पे हम अपने सर्वाइवल सीरीज नहीं खेलने वाले हैं। आज हम घर बनाने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट में सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस। तो ये कंटेंट गाइज एक है, इसीलिए मैंने सोचा लाइव स्ट्रीम तो नहीं कर सकती, यूट्यूब ने पता नहीं क्या करके रखा है, तो इसीलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो चलो अभी मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, हाँ इतना ठीक है। हाँ तो अब हम चलते हैं अपने माइनक्राफ्ट की गेम पे। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, जो आप ये माइक देख पा रहे हो ना, ये माइक कैसे समझाओ यार, ये खिलौने वाला ब्लूटूथ माइक है, समझ रहे हो, ब्लूटूथ माइक। ये बहुत पहले मैंने खरीदा था, इधर ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार आज एक जुगाड़ लगा के इस माइक का यूज करते हैं। तो जुगाड़ ये हुआ कि इस ब्लूटूथ माइक को मैंने मोबाइल में कनेक्ट किया, उसके बाद वो मतलब बहुत झंझट ऑक्स केबल लगा के ऐसे वॉइस दे के उसके बाद इसको कनेक्ट किया है मेरे पीसी के साथ, जिससे आप मेरी वॉइस इतनी तगड़ी सुन पा रहे हो, और उसकी वजह है ये माइक। और ये माइक गाइस इसलिए मैंने लिया है बिकॉज जो वीडियोज़ होते हैं ना उस पर वॉइस मेंटेन करना होता है, तो वॉइस के लिए भाई ये माइक मेरा बेस्ट है। तो अपने गेम पे चलते हैं, बात नहीं करते ये माइक। तो हमारे आज का वर्ल्ड का नाम होगा सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस। एक सेकेंड, सीक्रेट मुझे उधर देखना पड़ रहा है, सीक्रेट बेस। हम इस वर्ल्ड को जनरेट कर देते हैं जिसका नाम है सीक्रेट बेस। गेमो क्रिएटिव सर्वाइवल में बनाने की हमारी इतनी औकात नहीं है, औकात तो है, हमने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज बना के रखी, लेकिन सीक्रेट बेस बनाने में बहुत मत्था गर्म होने वाला है, तो इसीलिए अलाउ चीट्स ऑन, हाँ वो सब ऑन रहेगा, डिफिकल्टी हाँ ठीक है ओके। और इसको कर देते हम क्रिएट। और एक चीज गाइस मैं बता देता हूँ, ये भी शेडर्स के साथ मैं खेल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है ये शेडर्स के साथ नहीं है, भाई सही में बोल रहा हूँ, क्या सही में बोलूँ यार, मतलब ये शेडर्स के साथ ही गाइस मैं खेल रहा हूँ, तो आपको विश्वास अभी दिला दूंगा। और इसको लोड होने से पहले जो लाल कलर वाला जो सब्सक्राइब बटन है यार, जल्दी से ठोक दो, ठोक के हमारे 100K कंप्लीट कर दो, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो, उसके बाद हमारा चैनल हो जाएगा मोनेटाइज, उसके बाद आएगी वीडियोस कंटेंट के साथ, थंबनेल के साथ। पहले मैंने एडिटिंग नहीं की थी, लेकिन अब मैं करता हूँ फुल एडिटिंग, देख रहो जो लिखा भी हुआ है, लेकिन मैंने वाटरमार्क हटाया नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन भाई मुझे मज़ा आता है। और आप लोग बोलोगे कि भाई तू झूठ बोल रहा है, वाटरमार्क इसलिए हटाया, नहीं हटाया बिकॉज उधर पैसा देना पड़ता है, हाँ पैसा देना पड़ता है, ठीक है, इतना पैसा दे के कौन खरीदेगा भाई वाटरमार्क। और सही जगह में स्पॉन हुआ है गाइस, ये है मेरे शेडर्स, बहुत अजीब दिख रहे हैं बिकॉज जो क्वालिटी है वो मैंने पता नहीं कैसे सेट करके देखे मेरे पीसी को, मतलब मेरे पीसी से मैंने इसको सेट करके रखा क्वालिटी, आपको मैं दिखा दूँ तो ये हमारी क्वालिटी, तो मैंने ऐसे सेट करके रखा ताकि जो हमारी गेम है पूरी स्मूथ एंड स्मूथ चले। और मैं अगर चाहूँ तो रे ट्रेसिंग भी जरा ऑन कर सकता हूँ, लेकिन मेन चीज़ ये होगा ना कि मेरा जो गेम है, पहली बात ही बोल रहा हूँ, मेरा गेम हो वो होगा क्रैश, बिकॉज ये मैं मेरे उस पर नहीं खेल रहा हूँ, मेरे पीसी पे नहीं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ मेरे इस वाले पीसी पे, मतलब जिसको मैं डुअल मॉनिटर बनाता हूँ उस वाले पीसी पे, वो एक लैपटॉप है लेकिन ग्राफिक्स के बहुत मस्त है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं ऐसे हाई ग्राफिक्स पे खेलना मज़ा आता है। और पानी क्या लग रहा है, एक सेकेंड, टेक्सचर
गाइस ये टेक्सचर पैक मुझे बहुत पसंद है ये। ओ भाई साहब यार ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। तो गाइस हमारा इधर एक सीक्रेट बेस बनने वाला है, उससे पहले मैं चेक कर रहे तो कहाँ बनाएंगे। हाँ तो मस्त जगह है, मस्त व्यू आएगा, मस्त जगह है। इधर हमारा बनने वाला है सीक्रेट बेस। सीक्रेट बेस गाइस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है गाइस, मैं सही में बोल रहा हूँ, ये एक बिट पैट वो भी ऐसे कंटेंट के लिए वीडियो बनाता है, बनाया था सीक्रेट बेस। तो भाई आप यार वो नहीं बोलना मिटपैप की कंटेंट की कॉपी कर रहा है, नहीं मैं मुझे कंटेंट ही नहीं मिल रहा है। कंटेंट तो है लेकिन मेन दुख मेरा एक ही है, मेरा वो हो गया इतने टाइम बाद मैंने वीडियो बनाया, तब मैंने सोचा कि सर्वाइवल सीरीज छोड़ते कंटेंट देते। तो ये हमारा एक छोटा सा ये होगा, ठीक है। इधर हम एक सेकेंड यार, ये मच्छर सही में, ये मच्छर परेशान करने अभी अभी आते क्या। और गाइस एक सेकेंड, तो आपको मैं बताना है भूल ही गया, एक सेकेंड। हाँ ये मेरे सेडर्स लूड है। तो गाइस एक चीज़ तो गाइस मैं आपको बताना भूल ही गया, जो लाइक वाला सब्सक्राइब, एक सेकेंड, लाइक वाला जो बटन है उसको आप दबा दो यार, लाइक बटन को दबा दो, हमारे बहुत सारे लाइक्स कर दो, 50,000 व्यूज़ कर दो एक एक वीडियोस पे, मज़ा आ जाएगा, यूट्यूब मोनेटाइज भी कर देगा। सोचा कि ठीक है यार ये बंदे ने मस्त से वीडियो बनाए, लाइव स्ट्रीम कंटेंट उसका अच्छा नहीं है, उस पता नहीं शायद से उसने क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो उसको मोनेटाइज कर देते, तो ऐसे करके यूट्यूब मोनेटाइजेशन कर देगा और उसके बाद वीडियो जो है वो बहुत तगड़ी आने वाली है। तो उससे पहले गाइज एक सेकेंड यार, मुझे सेट होने का भी टाइम नहीं मिलता आज, ये माइक मैंने ढूंढा कुछ भी करके। तो ये मैं एक नॉर्मल सी जगह बनाता हूँ, तो ये हमारा हो गया। तो इधर हम अपना सीक्रेट बेस बनाने वाले हैं। तो 1, 2, 3, 4 आपको लग रहा है कि ये सीक्रेट बेस बहुत लोगों को दिख जाएगा, लेकिन सीक्रेट ये होने वाला है कि आपको मैं दिखाता हूँ। और ये पिस्टन तो यूज़ करना पड़ेगा ही ना गाइस, ठीक है। अगर आपको कोई झूठ मूठ का लग रहा है भाई ये झूठा है झूठ बोलता है, तो इसके लिए मैं इधर एक पिस्टन लगाता हूँ, इसको छुपा देता हूँ। एक सेकेंड यार, ये परेशान करके रहेगा ये पूरा, स्टिक करना है मुझे इसको स्टिक। एक सेकेंड यार गाइस, हम एक काम करते हैं, हम ये डर्ट लगा देते हैं। हाँ डर्ट से तो लोगों को लगेगा कि यार ठीक है मस्त है, लोगों को लगेगा कि क्या मस्त बना हुआ है, क्या मस्त लग रहा है, तो ऐसा लगेगा लोगों को। लेकिन ये इनको पता नहीं, ये है सीक्रेट बेस का रास्ता। तो सीक्रेट बेस बनाने से पहले मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, जो हमारी रेडस्टोन की वायर है वो नीचे से जाने वाली है। तो रेडस्टोन की वायर आने से पहले गाइज मैं एक चीज़ बोल देता हूँ यार, मुझे ये रेडस्टोन का ये है ना, ये मैंने बहुत पहले वो मतलब मोबाइल पे जब मैंने खेला था तब मुझे लगता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सही है हाँ मुझे रेडस्टोन की वो सब क्या बोलते हैं वो, अब वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं होती है। तो ये हमारा एक बन गया, और इधर हम लगा देते हैं एक क्या बोलते हैं लीवर ऐसे, और इधर से हमारा ये रेडस्टोन करंट आ रहा है ना, हाँ आके ये जाएगा पूरा इधर, और इधर से हमारा जो कनेक्शन है वो जाएगा बंद। तो इधर हमारा हो गया, और इधर हम एक काम करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ना हम एक लीवर लगा देते हैं, बिकॉज लोग समझेंगे कि इधर एक लीवर है। तो अगर मैंने इसके सामने ये रख दिया क्या बोलते हैं डायमंड, और ऐसे रखा, और अगर मैंने इधर रख दिया डायमंड कैसे, ओ भाई मुझे रखना है ठीक है। तो डायमंड गाइस
मैं सर्वाइवल सीरीज नहीं खेल रहा, पहले ही बता रहा हूँ। तो ये देखो लोग खोलेंगे ये, लेकिन क्या होगा आपको दिखेगा नहीं। आपको क्या लगता है ये क्या है? ये देखो, ये हमारा मैजिकल चीज जिसको हम बोलते हैं, एक सेकंड मैं डर्ट लगाने भूल गया, इसको बंद कर देते हैं। और ये हमारा काम किया, एक सेकंड यार, इसको भी ढकना पड़ता है। कितना काम करूं मैं, एडिटिंग भी इतनी लेट लेट करता हूँ। हाँ ओ भाई सही में, ओपन किया। ओ भाई साहब सीक्रेट बेस जो है हो चुका है रेडी। ओ भाई बहुत ओपी, इसको मैं इधर से भी धक देता हूँ जिससे लोगों को शक ना हो कि वो हो रहा है, कुछ आ रहा है। तो एक सेकेंड यार, ये डर्ट डर्ट यूज करने कितना मुश्किल होता है। हाँ तो इधर मैं गाइस रख देता हूँ, इधर मैं एक काम करता हूँ, जो है हमारा ये है ना, मैं इधर रखता हूँ होपर। किधर गया मेरा? मैं गाइस सही में बोल रहा हूँ यार, ये क्या होता है कभी कभी, कभी कभी लगता है कि मैं मतलब कोई चीटिंग कर रहा हूँ यार। चीटिंग नहीं, मैं 5-6 डायमंड डॉग्स भी रखने वाला हूँ, जिससे लोगों को रखेगा कि यार ये किसने रखा है भाई, लूट लो और चले जाओ, बस हो गया। अगर कोई किसने देख लिया ना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे हम ले लेते हैं और हम रखेंगे कितने सारे चीज़ें और एक डायमंड स्वॉर्ड, डायमंड की पिकैक्स। तो इतने सारे चीज़ें हम इस डिस्पेंसर के अंदर रखने वाले हैं जो हमारा काम करेगा। इसका काम एक ही है, ये देखो देख रहो। तो मैं इधर मैं लिख देता हूँ क्या चाहिए इधर, क्या मैं मेरे पास साइन किधर है, SIGHIN, इसको मैं लगा देता हूँ ऊपर है। और इधर हम लिख देते, एक सेकेंड यार, ये माइनक्राफ्ट मैं खेलना नहीं जानता क्या? इधर मुझे लिखना है आइटम्स मशीन एन डाई एन, रुक जो, एंड आइटम्स मशीन, इधर मैं लिख देता हूँ, हो गया हमारा काम। और ये हमारा एक सीक्रेट बेस बन चुका है। तो मैं एक चीज़ गाइस बता देता हूँ, जो हमारा सीक्रेट बेस है ना, एक सेकेंड यार, ये मतलब अब हम इसको देखने वाले हैं। पार्ट से हेडशॉट, एक सेकेंड काम कर रहा है। मेरा बेस किधर है? क्या हो रहा है भाई? करंट क्यों नहीं जा रहा इधर तक? तो खुला रखना पड़ेगा ना। हाँ मैं भी क्या फालतू वाले काम करता हूँ यार, शिट यार, मैं सही में बोल रहा हूँ गाइज, ये क्या होता है कभी कभी मैं लगता है कि भाई ये कोई इश्यू है, लेकिन नहीं। एक सेकंड मैं इधर ये रख देता हूँ, ओके। और मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, जो ये करंट जा रहा है इसको, हाँ अब ये बंद हो गया। अभी लोगों को लगेगा कि डर्ट किधर गया, डर्ट तो गायब हो गया। अगर मैंने इसको खोला तो एक सेकेंड, डट बंद हो गया। हाँ अब जो कॉन्सेप्ट है गाइस, मुझे कोई ऑटोमेटिकली ले जाता है भाई, मस्त यार, सही में मुझे मस्त चीज मिल गया। तो हमारा ये सीक्रेट बेस बन गया। अभी हम नीचे जाने वाले हैं, एक सेकेंड, नीचे यार मेरा डट किधर, हाँ ये रहा। तो इधर से हमारा ये तो बन गया, तो सीक्रेट बेस के अंदर और भी कनेक्शन तो होना चाहिए ना, इसीलिए इधर से भी एक, वो क्या बोलते हैं, वो लगा देते हैं।
यार ये मुझे ये पार्टी पसंद नहीं है। इन लोगों ने मतलब माइनक्राफ्ट देना, कोई सीक्रेट बेस बनाने का नहीं देगा। ये लोग मुझे इसीलिए पसंद नहीं है इन लोग को। मतलब क्या करते क्या। और माइनक्राफ्ट मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं मेरी बात बोल रहा हूँ। इधर से हमारा ये हो गया और इधर भी एक कनेक्शन आने वाला है जिससे ये बंद होगा। और ऊपर से हमारा यार ये रात भी इतनी जल्दी हो जाता है ना। मैं सही में मैं हर एक बात में पता नहीं यार क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन भाई कंटेंट। एक सेकेंड, उसको मैंने ऑन करके रखा है। करण कहाँ कहाँ जा रहा है क्या गाइस। यार ये बहुत मुश्किल, मतलब क्या बोलूँ। इसको इधर कनेक्ट करो। कनेक्शन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, ये होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। क्यों यार क्यों, बंद कर दिया इसको हमने, कर दिया बंद। बंद हुआ कि चालू हुआ। यार मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये बेस से निकलने का रास्ता इतना छोटा। और गाइज हम पिस्टन इसीलिए यूज कर रहे हैं, बिकॉज पिस्टन ये काम नहीं करता, झूठा है तू। ये हमारा खुल गया और इधर से हम चलते हैं नीचे। तो नीचे जाने से पहले इसको पूरा खुदाई करते हैं, और निकलने के लिए भी हम नीचे निकलेंगे नहीं। सच निकलना कभी कभी बन जाता है। एक सेकेंड यार मुझे, मैं सही में बोल तो हो गया। अगर कोई बंदा मुझे ट्रोल करने के लिए अगर मैं आऊँ तो कर सकते हो, लेकिन लो कोई बात नहीं। इसको नीचे तक खोदते, और अब इसको बंद करना भाई। कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा के रखना पड़ेगा मुझे इधर। अभी नीचे हम रखेंगे बेड रॉक, बिकॉज बेड रॉक तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। बेड रॉक को सिर्फ हम तोड़ सकते हैं। यस हमारा ये गाइस काम हो चुका है। और ये पता भी ज़ॉम्बीज जिंदे क्यों चिल्ला रहे हैं। मैं आ रहा हूँ ज़ॉम्बीज, चिंता मत करो, तुम लोग के लिए मैं आ रहा हूँ। हमारा सीक्रेट बेस है रेडी। इतना छोटा नहीं है, बहुत काम है, बहुत काम करना बाकी है इसको। इसका वो क्या बोलते हैं, रिनोवेशन होने वाला है। और पता नहीं मैं क्यों क्यों ये सब तोड़ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, हो जाता है मैनेज। और इसको हम तोड़ देते हैं, और हम हमारा सीक्रेट बेस जो है, मैं चाहूँ तो इसके दो पार्ट बना सकता हूँ, लेकिन भाई सही में तो मुझे मेरी एक ही सीरीज से प्यार है। इतने सीरीज बनाऊंगा तो क्या होगा पता नहीं। मेरा हाल तो बिगड़ने वाला है, बिकॉज दो दो सीरीज कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाता हूँ सही में, ये मुझे बोलना था। क्यों यार, मैं मतलब कोई बात नहीं। ये हमारा बेड रॉक का रास्ता, बेड रॉक। और इधर से हमारा ये बन गया, और इधर हमारा रहेगा बहुत मस्त वाला घर। सिक्योरिटी तो कोई नहीं रहने वाली, बिकॉज इधर तक कोई नहीं आ सकता। इधर तक किसी की भी हिम्मत नहीं है इतनी। अगर किसी की है तो वो सिर्फ मेरी है। और मैं पता नहीं वाइट कॉन्क्रीट से घर बनाने की सोच रहा हूँ। मैं एक को इधर लगा दूँ, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर। और
और ये हमारा बन गया सीक्रेट बेस। लेकिन बहुत मस्त लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसको बाद में हम ठीक कर देंगे। और मेरा माइक सुन जा प्लीज, मेरे माइक इन पोजीशन में रखा हुआ है और मैं सही में बोलता हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है इन ज़ॉम्बीज को, मैं इतना तेज तेज गाइस प्ले कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नेक्स्ट इस वीडियो को एडिट करना है और मुझे मेरी सर्वाइवल सीरीज का पार्ट बनाना है, पार्ट समझते हो ना। और हम इस मतलब गेम को खेलने के लिए अगर हम इस वर्ल्ड पे आए तो क्रिएटिव में खेलेंगे, और इस वर्ल्ड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं कर सकता हूँ, मैं दो दो सीरीज बना सकता हूँ, सीक्रेट बेस एंड हीरो ब्राइन। हीरो ब्राइन आ गया हमारा सीक्रेट बेस भी, लेकिन दो दो सीरीज कंटिन्यू करना भाई बहुत मुश्किल होगा और मैं नहीं चाहता गाइस दो दो सीरीज बना के मेरा मैं खुद का मत्था गर्म कर लूँ, उसके बाद मैं दो दो सीरीज के एक भी एपिसोड नहीं लाऊं, समझ लो। और आप लोग डिसलाइक कर दो वीडियोस को और अनसब्सक्राइब कर दो, अगर अनसब्सक्राइब अगर कर दिया तो एक ही चीज़ होने वाला है, वो नहीं बताया यार, आप लोग समझ जाओ, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना आप लोग समझ जाओ। और मैं माउस भी आपको बोल देता हूँ, मैं माइनक्राफ्ट का भी प्रो बन चुका हूँ, सबसे और बनना बाकी है, चल जाता है इतने में हम बन सकते हैं प्रो। हम एंडर ड्रैगन को हमारे सर्वाइवल सीरीज में अगर मार दिया बिना चीटिंग करके तो भाई आई एम द प्रो एंड आई एम द गॉड, मैं ये बोलूँगा, बिकॉज मैं एंडर ड्रैगन को तरपा तरपा के मारने वाला हूँ। लेकिन ये गाइस ये बात है, एक छोटी सी बात है, आप नहीं समझोगे अब, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात को अगर कंप्लीट करना है तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है। मैं सीक्रेट बेस की सीरीज में पता नहीं क्या कमेंट्री कर रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे कमेंट्री करके मजा आ रहा है, और मेरी एपिसोड में मैं टाइम इसलिए नहीं देख रहा हूँ बिकॉज आजकल मैं वीडियो एडिट करके बनाता हूँ, ठीक है गाइज, मैं वीडियो को छोटा से बड़ा कर सकता हूँ। अगर 1 GB का वीडियो है 125 MB या 925 MB मैं कर सकता हूँ, और इतना तो नेट मेरे पास नेट है, तो नेट की मदद से मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। और अब मैं लगाने वाला हूँ लैंटर्न, ये मेरा लैंटर्न LANTERN, ये माइनक्राफ्ट वालों ने मस्त अपडेट किया है। ओ भाई एक सेकेंड, 1 2 3 तो हमारा ये बन गया, और इधर हम बेड लगाएंगे मस्ती। एक सेकेंड मच्छर अभी निकल लो, अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मच्छर मेरे पैर पे काट रहे, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, जब अपना भाई साथ है, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया, इधर हम लगाते हैं चेस्ट और आराम से जियेंगे अपनी जिंदगी। और इधर हम रखेंगे नेदरराइट आर्मर, लेकिन वैसे भी चीटिंग का नेदरराइट आर्मर है, लेकिन अगर किस बंदे ने आ गया है सीक्रेट बेस प्रो बंदा है, अगर किसको मुझे करना है बोल सकते हो कि नेदरराइट आर्मर मैंने खुद बनाया है, तो अब मैं रखता हूँ आर्मर स्टैंड, और मैं थोड़ा सा आर्मर भी पहनने वाला हूँ। मैं इधर रखूँगा एक आर्मर जो होगा हमारा कॉड आर्मर। गाइज मैंने सही में बहुत फालतूगिरी वाली कमेंट्री कर दी, लेकिन क्या बताओ यार, चल जाते फिर भी आप चिंता मत करो। ओ क्या हो गया, ओ भाई क्या हो गया, ये मैंने मैं सही में नहीं ये नहीं खरीदा हूँ, ये मैंने क्रिएटिव से लिया, ठीक है हो गया माइनक्राफ्ट, तो हमारा ये हो गया, ये हमारा आर्मर रहेगा इधर, और हम एक आर्मर हम पहनेंगे, मेरे पास दो दो नेदरराइट आर्मर है गाइस, देख पा रहे हो मैं कितना अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं ज़ॉम्बीज़ को भी एक बार में मार सकता हूँ, लेकिन इतनी मैं गॉड लेवल नहीं हूँ, मेरे पास गॉड लेवल आर्मर नहीं है, तो इसीलिए अगर
कुछ इस वीडियो में गड़बड़ हो गया तो आप कमेंट में बता देना जरूर। और अभी तो घर बनाना हो चुका है भाई, इतना ही सीक्रेट बेचता अभी सो क्या भाई यार आप लोग, ये म्यूजिक पता नहीं क्यों चला के रखते हो। हो गया, चलो हो गया। एंडर ड्रैगन को मैंने नहीं मार रहा है अभी, हाल तो चीजें करते हो यार। गोल्डन एप्पल किधर है सर? गोल्डन एप्पल देख सके मेरा एंचांटेड गोल्डन एप्पल। गाइस मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास एंचांटेड गोल्डन एप्पल है, देख पा रहे हो? मेरे पास 25 एंचांटेड गोल्डन एप्पल है और मेरे पास 22 ये है और ये हमारा हो गया। चलो हो गया, हम अपना नेदराइट आर्मर चेक करते हैं। और एक सेकंड मैं पहले सो जाता हूँ भाई, दिन है, दिन का टाइम है, कोई बात नहीं। हमारी गोल्ड आर्मर से हम इसकी तोड़ने वाले हैं और हम चल गए नीचे। और चलो हो गया, और दिन का टाइम है, दिन के टाइम में हम निकल। एक सेकंड मुझे इसको बंद करके जाना है, ठीक है, याद रखना है मुझे। मुझे हाथ पे एक बेडरॉक रखना है, बेडरॉक बेडरॉक, ठीक है, भूलना नहीं है मुझे। अगर किसी बंदे ने ये सीक्रेट बेस देख लिया ना, बहुत गलत समझ जाएगा। इतना तो मैं बेडरॉक से ढक देता हूँ और बाकी का तो ये लोग संभाल ले सकते हैं। अगर कोई बंदा आ गया तो वो मरने वाला है, बिकॉज मैं ये लोग मैं इस लालच से इनको मारने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी इसको बंद कैसे करते हैं? मैं मैकेनिज्म भूल गया मेरे बेस का। फट से हेडशॉट, हो गया हमारा काम, हो गया। चलो इसको मैं ऊपर से धक देता हूँ ताकि इनको कोई शक नहीं, शक इसको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक हमारा खुद का वो है, और जिन लोगों को शक हुआ, अगर आप लोगों ने तो वीडियो देख लिया, लेकिन आप लोगों को भी मैं नहीं बताने वाला। ये है हमारा और भी सीक्रेट, देख रो। और अगर आपने इसको खोला, ये देखो हमारी डायमंड की स्वॉर्ड, डायमंड की पिकैक्स, हमने इतना माला माल, पता नहीं कैसे हूं लेकिन मैं बहुत माला माल हूं। बंद हो गया, एक सेकेंड अभी खुला हुआ था। और हमारे पास गाइस एक माइनिंग की केव भी है, हमारा एक सीक्रेट वो बन गया घर जो मुझे बनाना था आप लोगों को बोल के, और हमने बना दिया और हमारा काम भी हो गया। और इन लोगों ने डायमंड ड्रॉप किया, वाओ दिस अमेजिंग। मैं पता नहीं ऋतिक रोशन की एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ, लेकिन गाइस ठीक है, हो गया, सीक्रेट बेस बनना था, हो गया। अगर कोई बंदा आया तो वो ऐसे देखेगा, लेकिन अगर मैं आया तो मैं उसको ऐसे देखूंगा, ये है मेरा घर, हा कोई नहीं आ सकता सिवाय मेरे, और कोई भी नहीं आ सकता, मैं गॉड हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं गॉड हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मेरा शील्ड किधर गया भाई? मेरा शील्ड किधर गया सर? शील्ड गाइस कहाँ गया मेरा, पता नहीं गुम गया, पता नहीं, मुझे तो लगता है वैसे ही। और ये हमने ले लिया और हो गया हमारा काम जो हमको करना था। और गाइस हमारी बन गई ये मस्त वाली, वो क्या बोलते हैं, मस्त वाली वो बन गया हमारा सीक्रेट बेस। खुला हुआ है क्या अभी? नहीं, बंद कर दिया मैंने उसको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जो लाल कलर वाला सब्सक्राइब बटन है वो आप लोग के लाल है, मेरा ग्रे है, तो जल्दी से जल्दी भाई उसको ग्रे कर दो। और नेक्स्ट सर्वाइवल सीरीज के लिए रुकना, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, एडिट करने के बाद आज मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो अगर आपको देखना है तो एक काम करना पड़ेगा, लाइक बटन को दबाना पड़ेगा बहुत जोर से, और अगर दबा दिया है तो नेक्स्ट वो सर्वाइवल सीरीज के लिए रेडी रहना।
और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।